है बड़ी खबर। पहले चरण के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम ने अपने धाम में होली खेली है। अब मथुरा वृंदावन की पूज्य गलियां भी इंतजार कर रही हैं। मथुरा से सीएम योगी ने अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तय हो चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया। मथुरा में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। मथुरा के रण में सीएम योगी ने अपना प्रण एक बार फिर से जग जाहिर कर दिया। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। मथुरा से इस बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा से चुनाव प्रचार का शंखनाद, एक बड़ा संदेश बड़े बयान के जरिए, और उससे पहले कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक गाना सुन रहा हूं और मैं हर बार होली में बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा विराजमान होकर के होली के साथ साथ दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की पूज्य गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान और मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, 80 बनाम 80 की जंग है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा संदेश कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा, क्योंकि मथुरा की गलियां भी इंतजार कर रही हैं। तो मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम एक बार फिर से संपर्क करते हैं, लेकिन तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 80 की शुरुआत कर चुके हैं। ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम, रैलियां तय कर दी गई हैं। पहले चरण के चुनाव में यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अधिकतर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वेस्ट यूपी की सीट्स हैं और इन सीटों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, पहले चरण का चुनाव आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री की रैलियां तय हो चुकी हैं अगले 5 दिनों में और बड़ा बयान उन्होंने दिया है मथुरा को लेकर। एक बार फिर से यह कमिटमेंट जाहिर किया कि मथुरा की गलियां भी इंतजार कर रही हैं, यानी अयोध्या के बाद बारी मथुरा की। देखिए बिल्कुल राकेश, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो मुहिम है योगी आदित्यनाथ, उसे लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। बात चाहे अयोध्या की हो, मथुरा की हो, मां विंध्यवासिनी की हो, बनारस की हो, जहां जहां आध्यात्मिक स्पॉट है, जहां जहां रिलीजियस स्थल है, वहां वहां मुख्यमंत्री उन चीजों को लेकर, उन शहरों के विकास को लेकर गंभीर दिखाई देते हैं। जो भी तीज त्योहार आते हैं वहां पर लोगों की आस्था जुड़ी होती है, लोगों की बड़ी श्रद्धा है। सबने देखा कि अयोध्या में 500 साल बाद जब होली बनाई गई तो कितने उत्साहित वहां के लोग थे, वहां के साधु संत जिनके चेहरे से लग रहा था कि कितनी उमंग, कितना उत्साह उनके मन के भीतर है कि एक बड़ा समय आया है, इतने लंबे अंतराल के बाद प्रतीक्षा का अवसान हुआ है। तो ऐसे में अयोध्या में जो खुशियां मिली हैं वैसी खुशियां मथुरा को मिले, वो प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जब पहुंचे अपनी जनसभा में जताते हुए नजर आए। और ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, मुख्यमंत्री बार बार इस चीज को दोहराते रहे हैं कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर है, जो पहले के हमारे मूल हैं जिन्हें धराशायी किया गया, उन्हें सबके सामने उसी सम्मान के साथ, उसी मर्यादा के साथ वापस लेकर आना है। और अब दौरे जब शुरू हुए हैं तो जनता को वही जो 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 श्रद्धा जनता के भीतर है, सनातनी मूल्यों के प्रति जो उनका विश्वास है, ठीक है।